तेलंगाना के नालगोंडा में हुए प्रणय ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में लड़की के पिता मारुति राव, उसके अंकल प्रणव समेत 7 लोग शामिल हैं। जांच में ये सामने आया है कि मारुति राव ने प्रणय को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। यही नहीं, इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांडे का भी कनेक्शन सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अब्दुल बारी को गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या के मर्डर के मामले में CBI ने अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में उसे बरी कर दिया गया। बारी नालगोंडा के ISI संदिग्ध असगर अली के गैंग का भी सदस्य रहा है। असगर और बारी दोनों 2003 में पांड्या के मर्डर केस में अरेस्ट किए जा चुके हैं। हालांकि मर्डर केस में बारी को तो रिहा कर दिया गया था, लेकिन असगर के खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक उनके तार ISI से जुड़े हुए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि प्रणय की पत्नी अमृता वार्षिणी के पिता टी मूर्ति राव ने बारी को अपने दामाद प्रणय की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। बारी ने इसके लिए बिहार के हमलावरों को पैसा दिया था। इस केस में स्थानीय नेता मोहम्मद करीम को भी हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मूर्ति राव ने करीम के जरिए ही बारी से संपर्क किया था और 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। ये 50 लाख की रकम दे चुके हैं और 1 करोड़ की सुपारी दी थी, वो 50 लाख की रकम दे चुके थे। गौरतलब है कि 23 साल के प्रणय की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। वो अपनी गर्भवती पत्नी और माँ के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, जब सबके सामने एक हमलावर ने पीछे से उन पर हमला कर मार डाला। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। दलित समुदाय से आने वाले प्रणय ने अमृता के साथ अंतर जातीय विवाह किया था। अमृता ने इस मामले में अपने पिता टी मूर्ति राव और चाचा टी श्रवण पर पति को मारने का आरोप लगाया था। अमृता ने TRS विधायक वीरेश श्रम पर भी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने मिर्याला गुड्डा शहर के कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद करीम का नाम भी शामिल होने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। For more information, log on to www.clips.in.